मैं नहीं समझता कि ज़रूरी नहीं है कि सैलाब एक अजाब हो, हो सकता है आजमाइश हो। आप मुझे बताएं, रात को लोग सोएं और सुबह वो पानी में तैर रहे हो, और पानियों का ये आलम है कि ना बच्चे महफूज हैं, ना जानवर महफूज हैं, ना मर्द महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना इंसान महफूज। ये कल ही हमारा एक यहाँ करीबी जो हादसा हुआ, और एक बच्चा एक नाले में तैरते हुए और वो फौत हो गया। हम क्या समझते हैं, हम शहर में बैठे हैं, हमारे रास्ते बड़े सिक्योर हैं, हम महफूज हैं? तकदीर कभी रास्तों को नहीं देखा करती। मैंने ना कोई रिफाही तंजीम बनाई है, ना मैं कोई डोनेशन मांग रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक गैरत का एहसास जगाने की बात कर रहा हूँ, और मैं मौजूदा हालात पर भी एक दो बातें कहता हूँ। जब अल्लाह ताला राज़ी होते हैं ना, बाज़ रिवायात में है, रब फरमाते हैं मैं तुम्हें रात को बारिश से नवाजता हूँ, ताकि रात को बारिश भी आए, बीमारियाँ भी ख़त्म हों, और दिन को तुम अपने कारोबार में मशगूल रह सको और तुम्हारे कारोबार में खलल ना आए। क्योंकि दिन को रब ने कारोबार के लिए बनाया, वजह अल्नहारा माशा मईशत के लिए अल्लाह ने दिन को बनाया, वजह अलना नौमकुम सुबाता रात को आराम के लिए बनाया। अब आराम कर रहे हैं, बाहर बारिश बरस रही, तो ये रब की रज़ा की निशानी है। फरमाया अगर अल्लाह की नाराज़गी हो तो मामला उलट हो जाता है, फिर बारिशें दिन को आती हैं, फिर कारोबार भी ख़त्म होते हैं, फिर मामलात भी ख़त्म होते हैं। मैं नहीं समझता कि ज़रूरी नहीं है कि सैलाब एक अजाब हो, हो सकता है आजमाइश हो, हमारे ऊपर एक आजमाइश हो। लेकिन अब जो सैलाब के मसाइल हैं, अजाब भी है, आजमाइश भी है, इसलिए अल्लाह की तरफ हमें मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। अब क्या से क्या हालात हमारे पूरे खित्ते के क्या नहीं बन रहे, आप मुझे बताएं। रात को लोग सोएं और सुबह वो पानी में तैर रहे हो, और पानियों का ये आलम है कि ना बच्चे महफूज हैं, ना जानवर महफूज हैं, ना मर्द महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना इंसान महफूज। ये कल ही हमारा एक यहाँ करीबी जो हादसा हुआ, और एक बच्चा एक नाले में तैरते हुए और वो फौत हो गया। आप मुझे बताएं, बारिशें हुई, नाला भरा, बच्चा गिरा, वो फौत हो गया। आप और हमने तो एक ख़बर पढ़ी और उड़ा दी, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। जिसके घर से इस मासूम बच्चे का जनाजा उठा, उसके माँ बाप से पूछ लें क्या हालत होगी। और इस तरह लोगों के जो ज़रात की तबाही हुई है, जो उनके घरों के मामलात बिगड़े हैं, जो उनके अमवाल का नुकसान हुआ है, अमलाक तबाह हुई हैं, इसका इजाला हम सबको करना चाहिए। आज ये रिफाही तंजीमें चल रही हैं जो उन तक बाकायदा इमदाद पहुंचा रही हैं। हमें चाहिए कि हम जितना हो सके अपना हिस्सा उसमें डालें, यह हमारा हक बनता है। हदीस पाक में है, मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर उसकी आँख झुकती है ना जिस्म की, तो पूरा जिस्म उस आँख की तकलीफ़ को महसूस करता है, और उसका सर दुखता है तो पूरा जिस्म उस सर की तकलीफ़ को महसूस करता है। अल्लाह न करे कल उन पे आज हमारे ऊपर हो, आज उन पे कल हमारे ऊपर हो, हम क्या समझते हैं, हम शहर में बैठे हैं, हमारे रास्ते बड़े सिक्योर हैं, हम महफूज हैं? भाई याद रखें, तकदीर कभी रास्तों को नहीं देखा करती। मज़बूत से मज़बूत बंद भी सैलाबों के आगे टूट जाया करते हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो हमें अपने भाइयों की फ़िक्र भी करनी चाहिए, कौली तौर पे भी और अमली तौर पे, और इसमें अपना हिस्सा भी मिलाना चाहिए। मैंने ना कोई रिफाही तंजीम बनाई है, ना मैं कोई डोनेशन मांग रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक गैरत का एहसास जगाने की बात कर रहा हूँ, ताकि इस मामले में हम रब्ता करें। जो अहबाब हैं जिन पर हमें एतमाद है, हम उनके साथ मिलकर उन तक अपना तआवुन पहुँचाएँ, ताकि एक मुसलमान की तकलीफ़ को आप दूर करेंगे। हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक कोई बंदा अपने दोस्त अपने भाई की मदद में तकलीफ़ में लगा रहता है, रब्बे करीम उसकी मदद में रहते हैं, और अल्लाह ताला उस आदमी को कहते हैं तूने दुनिया की तकलीफ़ इससे उठाई, मेरा वादा है क़यामत में तकलीफ़ें तुमसे मैं हटाऊँगा। तो इसलिए हमें करना चाहिए। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً।